टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ. दिस पैराग्राफ इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज वेन वी ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इन द सेम टाइम वी लर्न सम वोकैबुलरी सम ग्रामर पार्ट. इट मीन्स वी इम्प्रूव अवर स्पोकन इंग्लिश. सो फर्स्ट आई रीड दिस पैराग्राफ देन आई विल ट्रांसलेट. सो लेट्स स्टार्ट. मेरी अंग्रेजी शिक्षिका. मुझे मेरी अंग्रेजी शिक्षिका पसंद है. उसका नाम मिस अनुषा है. वह 23 साल की है. वह दिल्ली में रहती है. वह एक अच्छी अध्यापिका है. वह अपने छात्रों से प्यार करती है. वह हमें पढ़ना सिखाती है. वह हमें लिखना सिखाती है. वह हमें उच्चारण करना सिखाती है. वह हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाती है. मुझे उसके साथ अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है. यह पूरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है. सो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसलेट. जब हमें इस पैराग्राफ का नाम देना हो तो ऑब्वियसली हम माय इंग्लिश टीचर ही देंगे. मुझे मेरी अंग्रेजी शिक्षिका पसंद है. मुझे मतलब आई, लाइक मतलब पसंद, माय मतलब मेरी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, टीचर मतलब शिक्षिका. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई लाइक माई इंग्लिश टीचर. उसका नाम मिस अनुषा है. उसका के लिए हम यहाँ पे हर यूज करेंगे क्योंकि यह लेडी है. नेम मतलब नाम, इज मतलब है मिस अनुषा. मिस का यूज यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि यह है अनमैरिड लेडी है, राइट. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा हर नेम इज मिस अनुषा. वह 23 साल की है. वह मतलब यहाँ पे सी यूज करेंगे क्योंकि यह लड़की है इसलिए यहाँ पे सी प्रोनाउन यूज किया गया है. इस मतलब है, 23 मतलब 23, ईयर्स मतलब साल का. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सी इज 23 ईयर्स ओल्ड. वह दिल्ली में रहती है. यह पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है, राइट. इसलिए यहाँ पे हम सी के साथ यहाँ पे लिव का यूज किए हैं. इट मीन्स जब हमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं. इसलिए यहाँ पे हम एस लगा करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किए हैं. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सी लिव्स इन डेली. वह एक अच्छी अध्यापिका है. वह के लिए हम यहाँ पे सी यूज करेंगे क्योंकि लड़की है. इज मतलब है गुड मतलब अच्छी, टीचर मतलब अध्यापिका. सी इज अ गुड टीचर. कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. वह अपने छात्रों से प्यार करती है. सी मतलब वह, यहाँ पे एस लिखा गया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. हर स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे एस लिखा है क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं. यहाँ पे पजेसिव दर्शाया गया है वो भी सी मतलब लड़की का, इसलिए यहाँ पे हर यूज किया गया है. यदि यहाँ पे ही होता तो फिर हम हिस का यूज करते. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सी लव्स हर स्टूडेंट्स. वह हमें पढ़ना सिखाती है. सी के साथ हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इसलिए यहाँ पे ईएस लिखा हुआ है टीच के साथ. अस मतलब हमें, हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाता है, राइट, उसके सेंस पे यूज करते हैं. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सी टीच अस हाउ टू रीड. वह हमें लिखना सिखाती है. लिखना मतलब राइट. सी टीच अस हाउ टू राइट. वह हमें उच्चारण करना सिखाती है. सी मतलब वह, हमें मतलब कि अस, टीच मतलब कि हमें सिखाना, उच्चारण मतलब प्रोनाउंस. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सी टीच अस हाउ टू प्रोनाउंस. वह हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाती है. धारा प्रवाह को हम फ्लुएंटली बोलते हैं इंग्लिश में. तो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे हमें बनेगा सी टीच मतलब कि पढ़ाना, अस मतलब हमें, हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोला जाता है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सी टीच अस हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मुझे उसके साथ अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है.
आई मतलब कि मुझे के सेंस पे यूज किया गया है, लव मतलब अच्छा लगना, स्टडी मतलब पढ़ना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, विथ मतलब साथ, उसके हर मतलब उसके लिए यूज किया गया है, हर मतलब